हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन की, आप लोग कैसे और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप लोग की रिवीजन मैं एक बार करवा दूं, तो इस वीडियो में मैं सिलेबस बताने वाला हूं कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें ताकि आपको सभी डिटेल्स समझ में आ पाए। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज बनाता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देख सकते हैं आप, जेई मेन की सिलेबस है ये, सिलेबस फॉर पेपर वन बी एंड बीटेक मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है मैथमेटिक्स का, देख सकते हैं यूनिट वन सेट रिलेशन एंड फंक्शन, यूनिट टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप लोग एग्जाम देने वाले हैं अप्रैल में, तो आप एक बार रिवाइज कर ले पूरे सिलेबस को, कि बाद में आपको पछतावा ना हो कि मेरा कोई चीज छूट गया है। तो इसीलिए मैंने ये सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाने की सोची कि आप लोग को रिवीजन एक बार हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस, इवेल्यूशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल ऑफ द टाइप। तो ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको जरूर ध्यान में रखें आप। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स यूनिट थ्री चैप्टर। और दोस्तों, सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर पाएंगे अपने पीसी और कंप्यूटर में और मोबाइल में। तो थर्ड चैप्टर देख सकते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, फोर्थ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनआर सीएनआर, मैथमेटिक इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। यहाँ देख सकते हैं यूनिट 10 डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिट 11 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग रिविजन कर ले सारे सिलेबस को एक बार, और थ्रू आउट आप लोग अच्छे से पढ़ पाए। और देख लेते हैं नीचे भी सिलेबस है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मैथ की स्ट्रेट लाइन, 12th चैप्टर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, यूनिट 13 वेक्टर अलजेब्रा एंड यूनिट 14 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो मैं स्क्रॉल करूंगा, उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे फिजिक्स, तो थ्योरी पार्ट हैविंग 80% वेटेज, वाइल सेक्शन बी कंटेन प्रैक्टिकल कंपोनेंट, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स हैविंग 20% वेटेज। तो फिजिक्स की सेक्शन ए की देख सकते हैं फिजिक्स एंड मेजरमेंट, सेकेंड यूनिट है काइनेमेटिक्स एंड थर्ड यूनिट है लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें फिजिक्स के भी स्टार्ट हो गए हैं सिलेबस। तो आप यहाँ देख सकते हैं यूनिट 13 वेक्टरल अलजेब्रा, यूनिट 14 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यूनिट 15 ट्रिग्नोमेट्री एंड यूनिट 16 मैथमेटिकल रीजन। तो ये मैथ की सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन, यूनिट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर, यूनिट 5 रोटेशनल मोशन। ये फिजिक्स की सिलेबस है, आप लोग थ्रू आउट सभी चीज को रिजर्व प्रैक्टिस कर ले, अच्छे से रिवाइज करें, ताकि आप सभी को मदद मिल पाए जेई मेन अप्रैल के एग्जाम में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 6 ग्रेविटेशन, यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, यूनिट 8 थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट 9 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और यूनिट 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट 12 करेंट इलेक्ट्रिसिटी। और आप यहाँ देख सकते हैं यूनिट 9 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की सारी पोर्शंस है यहाँ पे, यूनिट 10 ऑसिलेशन वेव्स, यूनिट 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म, और यूनिट 14 दे सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट, यूनिट 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूनिट 16 ऑप्टिक्स, यूनिट 19 देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यूनिट 20 कम्युनिकेशन सिस्टम। और सेक्शन बी में आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट 21 में एक्सपेरिमेंटल्स दे दिए गए। मैंने बताया आपको कि थ्योरी सेक्शन से 80% आएंगे और 20% आपको एक्सपेरिमेंट से आएगा, तो वो यहाँ पे दे दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। यूनिट 16 ऑप्टिक्स, यूनिट 17 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यूनिट 18 एटम्स एंड न्यूक्लियाइज। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ 14 15 सारे एक्सपेरिमेंट्स है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं केमिस्ट्री सेक्शन स्टार्ट हो गई है, तो इसका लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट, थर्ड यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस को भी सेक्शन में बांट दिए गए हैं। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, सेकेंड है स्टेट्स ऑफ मैटर, और मैंने थर्ड आपको दिखाया था, एक बार मैं स्क्रॉल करके ऊपर कर लूँ, देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट सारे दे दिए गए हैं, तो इसे भी देख सकते हैं आप। यूनिट 4 की बात करें तो आप देख सकते हैं केमिकल बाउंडिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, आयनिक बाउंडिंग, कोवेलेंट बाउंडिंग, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच टू कोवेलेंट बाउंडिंग। और यहाँ देख सकते हैं कुछ और चैप्टर्स हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट 6 सॉल्यूशन, यूनिट 8 रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यूनिट 9 केमिकल काइनेटिक्स। तो थ्रू आउट सारी सिलेबस है, साथ में इक्विलिब्रियम और सरफेस केमिस्ट्री भी है, एडजोरप्शन, कोलाइडर स्टेट, तो सारी थ्रू आउट सिलेबस है, आप इसे पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं आप सेक्शन बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट 11 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक
सिटी इन प्रॉपर्टीज, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, यूनिट 13 हाइड्रोजन, यूनिट 14 में देख सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल अर्थ मेटल्स, और साथ में यहाँ ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, 18 सारे डिटेल्स दे दिए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं यूनिट 15 पी ब्लॉक एलिमेंट 13, ग्रुप 13, और यहाँ पे भी मैंने 14, 15, 16, 17, 18 बताया आपको, और यूनिट 16 में देख सकते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यूनिट 17 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और यहाँ देख सकते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यूनिट 18, यूनिट 21 हाइड्रोकार्बन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देख सकते हैं सेक्शन सी में यूनिट 19 प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और यूनिट 22 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन हैलोजन्स, तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारी दे दी गई है इसमें। और चैप्टर 20 सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, इसके अल्कोहल फिनॉल और ईथर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, यूनिट 24 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, 25 पॉलीमर्स, 26 बायोमोलिकुल्स, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स, और 27 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और 28 प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल और दोस्तों केमिस्ट्री। साथ में यहाँ देख सकते हैं पेपर 2 की भी है सिलेबस, बी आर्च और बी प्लानिंग एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो यहाँ पे अवेयरनेस ऑफ पर्सन थ्री डायमेंशनल और साथ में स्केचिंग ऑफ सीन्स, तो इसके भी सिलेबस दे दिए गए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।